अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जियाउल्ला खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की दवा लिलियम टैग्रिगम के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको लिलियम टैग्रिगम और होम्योपैथिक की दूसरी दवा सीपिया की जो सिम्टम्स के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है वो भी बताऊँगा। अच्छा, लिलियम टैग्रिगम के अंदर भी ऐसे होता है कि ख़वातीन को रहम अपना बाहर की जानब जाता हुआ महसूस होता है, यानी दबाव बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से उनको रहम वाली जगह पे तकलीफ़ होती है, यानी यूट्रस के अंदर। अब ख़वातीन सीपिया के अंदर टांग के ऊपर टांग रख के बैठती हैं, जिसकी वजह से उनको वक्ती तौर पे सुकून होता है। लेकिन लिलियम टैग्रिगम के अंदर अगर ख़वातीन हाथ से जगह को दबाएं तो उनकी दवाई यही होगी। ये इसकी एक ख़ास अलामत है, क्योंकि ये सीपिया से मिलती जुलती है। दोनों को सीपिया के अंदर भी ख़वातीन को अपना जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ जाता हुआ महसूस होता है और वहाँ पे तकलीफ़ होती है, और लिलियम टैग्रिगम के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। तो लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि वो हाथ से दबाती हैं और वो टांग के ऊपर टांग रखती हैं। इसमें जो खातून होती है लिलियम टैग्रिगम की, वो हिस्ट्रिया की मरीज़ भी होती है, और उसको मेंसेस जो हैं वो बड़ी तकलीफ़ के साथ आते हैं, और या तो बहुत देर से आते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं काफ़ी देर, और मरीज़ा को अंदरूनी अज़ा बाहर की तरफ जाते हुए महसूस होते हैं, और इसके साथ साथ सारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ होती है, और ख़ास तौर पे ये पैट्रू के अंदर तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अच्छा, ये मैंने आपको इसकी मेंटल सिम्टम भी बताई है, और फिज़िकली सिम्टम तो वो है जिसके अंदर वो हाथ से दबाती है ताकि जो चीज़ बाहर आ रही है वो अंदर की तरफ चली जाए। अब ये दोनों तकलीफ़ें अदल बदल कर आती हैं। अगर इनके मेंटल सिम्टम्स सामने आती है तो जो फिज़िकल सिम्टम है वो ज़ाहर नहीं होती, यानी कि उसको दबाव नहीं महसूस होता, लेकिन जब दबाव महसूस होता है तो वो मेंटली तौर पे बड़ी चाको चुबंद हो जाती हैं। ये लिलियम टैग्रिगम की ख़ास एक बात थी, और इसके साथ साथ लिलियम टैग्रिगम के अंदर जो ख़वातीन को माहवारी आती है उसके अंदर भी उसको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जो लिलियम टैग्रिगम की जो मरीज़ा होती है वो भी गर्म मिजाज होती है, इनके मजाज के अंदर वही गर्म मजाजी होती है जो पल्सटीला के अंदर होती है। तो अगर ऐसी अलामत हों तो आप लिलियम टैग्रिगम को तजवीज़ कीजिए। ये 3x के अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं इसको। अगर आप 8 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम कुछ अर्सा तक दें, यानी कि एक माहवारी के ड्यूरेशन में अगर आप इसको इस्तेमाल करवाएँ तो ख़वातीन की ये अलामत ठीक हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।